Assalamu alaikum dear student, this is Sir Naseem Zulfiqar and right now I am solving the paper of Government National College Karachi Terminal Examination 2021. तो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ जो प्रीलियम पेपर हुआ है नेशनल कॉलेज में इस साल और उसके जो MCQs हैं सेक्शन ए वो जैसे काफ़ी सारे कॉलेजेस के मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं तो ये एक और कॉलेज का पेपर एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है तो मैं उसको डील कर रहा हूँ और उसके आंसर्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ ठीक है. सो फर्स्ट है द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक. तो देखिए 30 पे जिंक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 33 आएगा पी ब्लॉक में तो पी ब्लॉक इज द आंसर. सेकेंड है द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ द सब ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. थर्ड इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं. फोर्थ है हाइड्रोजन फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं चैप्टर 2 के MCQs है ये. फिफ्थ है हाइड्रोजन फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड विद एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है. सिक्स हाइड्रोनियम आयन इज रिप्रेजेंटेड एस एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन होता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन. सेवन्थ हाइड्रोजन गैस जनरली बिहेव्स एज वो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रेटिंग एजेंट और डीहाइड्रेटिंग एजेंट. तो हाइड्रोजन गैस वैसे नॉर्मली आपके पास ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चूँकि वो हाइड्रोजन जब किसी भी चीज़ के रिएक्शन करके ऐड हो जाएगा तो उसको रिड्यूस कर देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर नॉर्मली हाइड्रोजन गैस बिहेव करता है. एट्थ दिस वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सोडियम पोटेशियम लुबिथियम रुबिडियम में सबसे छोटा जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लॉस इलेक्ट्रॉन करने की सलाहियत. तो यहाँ पर ये रुबिडियम में होगी सबसे बड़े वाले में होगी जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. नाइन्थ है पोटेशियम डज नॉट शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई आयनिक रेडियस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्योंकि जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो बहुत हाई होती है जिसकी वजह से वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता पोटेशियम. टेंथ है व्हेन NaCl इज डिसॉल्वड इन वाटर सोडियम आयंस गेट सोडियम आयन क्या हो जाते हैं भाई हाइड्रेटेड हो जाते हैं जब पानी में डाला जाता है. इलेवंथ है द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप विद दोज ऑफ इट्स नेबर डाउन अक्रॉस एडजेसेंट ग्रुप इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है. 12 है द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ मेटल M फ्रॉम 2 ए नॉन मेटल X फ्रॉम 5 ए तो प्लस 2 और वहाँ पर हो जाएगा -3 तो ये हो जाएगा M3X2 जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला इस कंपाउंड का. 13 Na3AlF6 इज द फार्मूला ऑफ ये क्रायोलाइट का फार्मूला है जो कि फ्लोराइड और है एल्यूमिनियम का. 14 है द चीफ ऑफ और एल्यूमिनियम का चीफ और क्या है बॉक्साइट है इसे इसको रिफाइन करते हैं. 15 है एल्यूमिनियम ब्रोंज कंटेंस एल्यूमिनियम ब्रोंज में क्या होता है भाई इसमें 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% इसमें कॉपर होता है इसकी कंपोजिशन है. 16 है क्लोरीन को वाटर में डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बना इस रिएक्शन में क्लोरीन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है या क्लोरीन क्या हो रहा है तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रही है तो बहुत रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज दोनों उसके अंदर हो रही है. डेंसिटी ऑफ 98% नाइट्रिक एसिड 98% नाइट्रिक एसिड जो हमारे पास होता है उसकी जो है वो डेंसिटी क्या होती है 1.83 ग्राम पर लीटर उसकी डेंसिटी होती है. 18 है द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस उसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड. 19 द कोबाल्ट निकल एंड आयरन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैन बी मैग्नेटाइज्ड हैंस दे आर कॉल्ड तो उनको हम लोग कहते हैं फेरो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ठीक है. 20 है इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम जी ऑर्बिटल टू E2 to G ऑर्बिटल इट रेडिएट्स एनर्जी इन द रेंज ऑफ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये एनर्जी खारिज करती है जो कि विजिबल एनर्जी विजिबल जो है वो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तभी डिफरेंट कलर्स जो है वो आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स के दिखाई देते हैं ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द सेकेंड पेज ऑफ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची सेकेंड ईयर केमिस्ट्री MCQs नंबर 21. EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ EDTA कौन सा लिगेंड है हेक्साडेंटेट लिगेंड है
ठीक है. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल, लिगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है. 23 द फर्स्ट नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज, यूरिया. 24 द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज लार्ज बिकॉज ऑफ कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लॉन्ग चेन, ऑल ऑफ दिस इसमें हो जाएगा. इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इथाइन इथीन में कन्वर्ट हो रहा है, इथीन इथेन में कन्वर्ट हो रहा है. हाइब्रिडाइजेशन चेंज क्या आ रहा है, एसपी से एसपी टू, एसपी टू से एसपी थ्री, एसपी से एसपी टू, एसपी टू से एसपी थ्री, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है. 26 से प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, अगर आपको इथीन बनाना है इथाइल अल्कोहल से तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट. वैसे तो अगर इथीन बनाना है इथाइल अल्कोहल से तो इन चारों में से शायद तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, इन चारों में से कोई भी काम नहीं हो सकेगा, चूँकि डिहाइड्रेशन करने से जो है वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनता है, इन सब में से नहीं बनता है, इथीन बनता है. ठीक है, तो ये सारे एम सी क्यूज इसके जो हैं वो गलत हैं, मतलब 26 सारे ऑप्शन गलत हैं. 27 है सी एच ओ, सी एच टू, सी एच टू, ओ एच इज एन डैश, ये क्या है भाई, ये एक एल्डोल है, ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड भी उसके अंदर है और उसके अंदर हमारे पास अल्कोहल भी है, दैट्स वाई एल्डोल है. नेक्स्ट है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन किसे कहा जाता है, अल्केन्स का हैलोजन डेरिवेटिव अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं. 29 है फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2. 30 है कार्बन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो कार्बोनियम आयन कहलाता है, कार्बोकेटाइन भी कहते हैं इसे हम. 31 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, सी ऑप्शन करेक्ट. 32 इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर, टोटल वहाँ के एसीटोन की बात करें तो उसमें 3, 3, 6, 7, 8, 9 जो है वो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड्स के अंदर मौजूद होता है एसीटोन या प्रोपोनोन के अंदर. 33 द स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड ऑब्टेंड एट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, उसको हम लोग कहते हैं पायरोलिग्नस एसिड, जब वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से हासिल होती है. 34 है साइक्लोहेक्सानोल क्या है, फिनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, तो साइक्लोहेक्सानोल एक सेकेंडरी अल्कोहल है. 35 है द फार्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या है, CHI3 ट्राई आयोडोमिथेन. 36 है दिस केमिकल इज यूज टू प्रिपेयर एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन, तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन को बनाने के लिए, इथेनॉल, मिथेनॉल, तो इसमें मिथेनॉल को हम इस्तेमाल करते हैं. 37 गिव अ डीप ब्लू कलर विथ वन ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, तो आयोडीन डीप ब्लू कलर सोल्यूशन कब मिलेगा, किस चीज़ में डालेंगे, जब हम जो है वो एक ड्रॉप डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन का के डीप ब्लू कलर मिलेगा, तो वो स्टार्च में डालने पर मिलता है. 10 से MCQ सही है. 38 है अल्कीन्स एंड ड्रग, अल्कीन्स कौन से रिएक्शन करते हैं, अल्कीन सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नॉट सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, अल्कीन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एडिशन रिएक्शंस करते हैं. 39 ग्लाइकोजिन इज अ डैश, ग्लाइकोजिन क्या है, ग्लाइकोजिन हमारे पास वो एक पॉलीसेकेराइड है. 40 है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46% होता है. 41 है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लास बोरिक ऑक्साइड एंड सिलिका, ये बोरोन ऑक्साइड और सिलिका से मिलाने से पायरेक्स ग्लास हमारे पास बनता है. 42 है दिस इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, जो परस्पेक्स होता है कंघी वगैरह जिससे बनाते हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, चैप्टर 11 से था ये टॉपिक. 43 है दिस इम्पार्ट ग्रीन कलर टू ग्लूकोज, क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो ग्रीन कलर देता है ग्लूकोज वो ग्लास को, चैप्टर 11 से ही MCQs है. ये सारे MCQs हमने डील कर लिए नेशनल कॉलेज कराची के, इंशाल्लाह आगे भी और लेक्चर्स को और कॉलेज के MCQs जैसे जैसे आएंगे मैं सॉल्व कराता रहूँगा. अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.